लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। आज से मध्य प्रदेश में रबी फसल की खरीदी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में बनाए गए खरीदी केंद्र पर किसानों की उपज समर्थन मूल्य पर ली जाएगी, जिसके लिए एसएमएस मैसेज कर दिन और समय की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद किसान खरीदी केंद्र पर पहुंचकर अपनी उपज बेच सकेंगे, मगर उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ली और फसलों की खरीदी के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की। किसानों की उपज की खरीदी इंदौर, भोपाल और उज्जैन को छोड़कर अन्य जिलों में आज से प्रारंभ हो गई है। तीनों शहरों में संक्रमण अधिक है, इसलिए यहां खरीदी तिथि बाद में घोषित की जाएगी। समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को 3 दिन पहले एसएमएस किए जाने चाहिए ताकि वे सुविधापूर्वक पहुंच सके। छोटे किसानों को पहले बुलाया जाए। इस बार उत्पादन अधिक होने के कारण ऐसे बंदोबस्त किए जाने चाहिए जिससे किसान को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। किसान को बेची गई उपज का भुगतान अधिकतम 1 सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि किसान बंधुओं से आग्रह करता है कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए खरीदी केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था का आवश्यक रूप से पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।